हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं सनी ड्राइव जोन। देखिए, जजमेंट के लिए 90% लोग आपको बोलेंगे कि जब आप ड्राइविंग करेंगे ना तो ही आपको जजमेंट आएगा, लेकिन जजमेंट आ तो जाता है लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। तो उसको जल्दी से कैसे सीखे, जल्दी से मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो आप 110% आपको लेफ्ट साइड का जजमेंट परफेक्टली आ जाएगा। आप वीडियोस देखिए, एनालाइज करिए, अप्लाई करिए, आपको 100% जजमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, अभी इस वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो में मैं शुरू से बता रहा हूँ, फिर से देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरी वीडियोज को थोड़ा सा बूस्ट मिल सकता है। ठीक है, अगर वैल्यूबल कॉन्टेंट लगता है आपको तो प्लीज लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें कि क्या इम्प्रूव मैं कर सकता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। देखिए, जब आप डायगनली सोचेंगे ना, ऐसे जब आप सोचेंगे, ये जो लाइन जा रही है ये सीधा मेरा लेफ्ट का जो बोनेट है ना, बोनेट जो खत्म हो रहा है वहां पे जाके खत्म हो रही है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसी आप भी कोई रोड चूज कर लेना और देखो मेरा टायर, देखो कहाँ पर है, आपको दिखाई देगा। दिख गया आपको? एग्जैक्टली मैंने उस कॉर्नर पे खड़ा कर रखा है। ये मेरा ड्राइवर व्यू है, तो इससे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली मैंने वहां पे मार्क किया हुआ है। ठीक है, कैसे मार्क किया उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए, पूरा आपको मिल जाएगा। और फिलहाल मैं रेफरेंस के लिए आपको बता देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ, जब आप यहाँ पे, सपोज ये आपकी गाड़ी है, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, तो एक इस वाले लाइन को छोड़ दीजिए, ये लाइन आपकी ट्रैफिक में काम आएगी। और ये जो एंगल बन रहा है, ये आपका अभी एंगल बन रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एंगल बन रहा है, बिल्कुल ये मिडल से जा रहा है, ये अलग एंगल है। और ये जो साइड से जा रहा है, इसका यूज आप जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास हो ना, उस टाइम पे करेंगे, और उस टाइम पे आप इसका अच्छा यूज कर सकते हैं। इससे आप गाड़ी का जजमेंट ले सकते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट पास हो। ये आपका दूर के ऑब्जेक्ट में काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसकी भी वीडियोस आएंगी फ्यूचर में। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ जो कि आपकी ड्राइविंग को इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो चलिए, ये बिल्कुल डायग्राम बनता है, ये डायग्राम मैंने दिखा दिया। इस तरीके से आपको बोनेट का लेफ्ट का जजमेंट होता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं, एक और वीडियो में बात करते हैं, आगे चलते हैं। और राइट साइड का मैंने आपको बताया था, आपको जैसे आपने लेफ्ट में गाड़ी खड़ी करी है वैसे आपको राइट में भी खड़ी करनी है। ठीक है, राइट में जब आप खड़ी करेंगे अपोजिट साइड जाके, तो वहां भी आपको एक ऐसी ही पटरी मिलेगी। और ऐसी ही पटरी जब आपको मिलेगी तो उसमें आप आसानी से जजमेंट कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट मार्क कर सकते हैं। और बीच में जो रेड टेप है, इसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, कोई भी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, तो यानी कि आपकी गाड़ी हिट कर सकती है, टकरा सकती है, तो गाड़ी ना चलाएं। तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा उसमें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीट बेल्ट लगा लेता हूँ और आप भी लगाया कीजिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए आपको। तो देखिए, जजमेंट बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी कहेंगे कि इसका जो मैं रेफरेंस पॉइंट बता रहा हूँ, इनसे कुछ नहीं होता, सब आपका गाड़ी चलाने का है, जब आप गाड़ी चलाएंगे तो ही जजमेंट आएगा। एक्चुअली में वो सच है, गाड़ी चलाने से तो आपको जजमेंट आता ही है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये अगर आप ट्रिक लगाएंगे तो आप थोड़ा जल्दी सीख जाएंगे, बस फर्क इतना ही है। तो जल्दी सीखने के लिए, अब देखिए मैं हल्का हल्का क्लच रिलीज कर रहा हूँ और गाड़ी मेरी उठ रही है हल्का सा, बिना एक्सेलेरेटर के गाड़ी को उठा रहा हूँ, हल्का सा राइट में टिल्ट किया है। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ हमें ट्रैफिक मिलेगा तो उससे हम जज करेंगे राइट लेफ्ट का जजमेंट। अब देखिए, इस गाड़ी से मैं आपको लेफ्ट का जजमेंट बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये गाड़ी चल रही है, हल्का सा ब्रेक लूंगा, थर्ड गियर में डालूंगा, अभी गाड़ी मेरी नहीं निकलेगी, हल्का सा मुझे राइट में करना पड़ेगा, गाड़ी मेरी निकल गई है, आप देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट साइड का जजमेंट, राइट का मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला पॉइंट है। एंड बीच में जो भी आएगा, यानी कि डेंजर जोन, देखिए अब आप है ना, कोशिश करिए जब जब भी आप गाड़ी चलाएंगे ना,
तो ये जो जहाँ पे आपको ऐसी स्ट्रिप मिल जाए ना, तो आपका तो बहुत ही फायदा है। यानी कि इस वाली स्ट्रिप पे आपको इसमें कुछ गुटके लगे होते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरा जो टायर है ना, एग्जैक्टली वो इन पर चल रहा है। देखो आपको थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन भी फील होगी, अभी मेरा टायर बिल्कुल एग्जैक्टली इनके ऊपर चल रहा है। तो यानी कि ये एग्जैक्ट आपको लेफ्ट साइड का, अगर आप बिना टेप के भी अगर करना चाहते हैं ना, तो आप इससे कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। राइट साइड का जजमेंट के लिए आप ये लेंगे, कोई भी नहीं है राइट साइड में। आप देखिए थोड़ा सा बीच में चलते हैं, राइट साइड का भी जजमेंट मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ये ब्रेकर निकल जाए और सामने से देखिए गाड़ी आ रही है, ठीक है। अब वो गाड़ी आ रही है, अब मेरा टायर तो बिल्कुल मुझे पता है कि राइट साइड का इस पट्टी के ऊपर चल रहा है, वो गाड़ी पट्टी से थोड़ी सी इधर है, तो राइट साइड का जजमेंट आपका हो गया आसानी से। बाकी आप कंफर्म करने के लिए ORVM में चेक कर सकते हैं कि राइट वाला टायर आपका कहाँ चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लग रही है वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लग रही होगी। तो आप देखिए कंफर्म करने के लिए, देखिए पीछे देखिए, बिल्कुल मेरा जो टायर है वो बिल्कुल इसी के ऊपर चलेगा। जब मैं पॉइंटर मेरा इसके ऊपर रहेगा तब मेरा टायर उसी के ऊपर ही चलेगा, चल रहा है। तो दोस्तों ऐसे आप गाड़ी चलाएंगे ना तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे। और ये सुबह का टाइम है तो आप सुबह गाड़ी लेके आइए, ठीक है। सुबह का टाइम सही होता है 6-7 बजे से पहले, सॉरी अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 7 बजे तो काफी लेट हो जाएगा। 6 बजे आपको गाड़ी लेके निकल जाना है, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आराम से आप गाड़ी चला सकते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे आगे थोड़ा सा चल के कोई गाड़ी खड़ी होगी तो देखते हैं लेफ्ट साइड में, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अगर आप वीडियो देख के जा रहे हैं और सब्सक्राइब कमेंट या लाइक कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कर दीजिए, बिकॉज यूट्यूब थोड़ा सा मुझे भी बूस्ट मिलेगा मेरे चैनल को। आप देखिए यहाँ पे ये एम्बुलेंस खड़ी है, आप देखिए अगर मैं सीधी लेके जाऊंगा ना यहाँ से तो मेरी गाड़ी टकरा जाएगी, इसीलिए मुझे ये वो जो मैंने एंगल आपको बताया था, आप देखेंगे ये वाला जो सेकेंड एंगल है ना, इस एंगल से आप पास के ऑब्जेक्ट को बचाएंगे। यानी कि अभी वो एंगल मेरा इधर से जा रहा है, इधर से, यानी कि वो टकरा जाएगी मेरी गाड़ी, मुझे उसे बचाना है तो राइट में करना पड़ेगा। कर दिया, वो एंगल काम कर गया। तो ऐसे वो एंगल काम करेगा आपका जब आप, अब देखिए भैया जा रहे हैं, अब देखो लग जाएगी गाड़ी लग जाएगी, मुझे हल्का सा राइट में मोड़नी पड़ेगी, मैंने मोड़ ली और गाड़ी मेरी निकल गई है। तो दोस्तों ऐसे आप गाड़ी चलाइए, आपको पूरा जजमेंट आ जाएगा, ठीक है, और जल्दी से जल्दी आएगा। तो इस वीडियो को फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।